नया वर्ष क्यों कहा जाता है कि कोई नई प्रतिज्ञा ली जाती है, तो दोनों का मुहूर्त है। वैसे नया वर्ष पार्टियों में जो होता है या वैसे भी 31 के बाद में मनाया जाता है, तो हो सकता है एक बार और हम लोग मिले, लेकिन आज शुभ अवसर पर मिल रहे हैं। हमारे साथी संजय गाबा जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जैसा कि इनका किया परिचय कराया गया। भारत जोड़ो यात्रा में कंचन मिश्रा जी का बड़ा सहयोग रहा, और ऐसे संकट में अपना पूरा घर खोल दिया, पूरा गोदाम खोला, एक थोड़ी सी राहत वहाँ मिल गई थी, क्योंकि उस समय व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो कम से कम 50-60 जो महिला साथी थी उनको रोक इनके यहाँ रात में सो सके। हालांकि वो तालमेल पूरा तालमेल बिगड़ गया था, वजह था कि जो व्यवस्था बदरपुर बॉर्डर पर करने के लिए कहा था वो व्यवस्था हो ही नहीं पाई, तो ऐसे में अफरा तफरी बहुत मच गई थी। 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर ठहरना पड़ा, रात में बस खराब हो गई, शैलेंद्र चौहान जी की बस खराब हो गई। हमारी हम लोगों की योजना ये थी कि बस से ड्रॉप कर दिए जाएंगे बॉर्डर पर, वो हो नहीं पाया, तो मैं पहले आ गया, आना भी था, और जो साथी थे छूट गए, तो एक तरह से वॉक नहीं हो पाया। समी मोहम्मद जी के बच्चे गए थे और एक बसेरा जी, तो बच्चों से राहुल जी मिलते हैं। मैंने कोशिश तो किया, लेकिन जिस तरह से अनुशासनहीनता दिल्ली में देखा मैंने, तमिलनाडु में शामिल हुआ, केरल में शामिल हुआ, तेलंगाना में और मध्य प्रदेश में, ऐसा कहीं नहीं देखा। कितने लोग गिर गए, सांसें फूल गई लोगों की। वो यह था कि इत्तफाक है कि किसी से जो सामने नज़र आया उससे मिलवा दिया, बाकी तो भीड़ ज़्यादा थी और पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो आज राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर किया, पुलिस व्यवस्था के ऊपर ही किया था, कि जब अमित शाह और मोदी रोड शो करते हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो पुलिस की कितनी बड़ी व्यवस्था होती है। तो उसके ऊपर खैर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। अब 3 तारीख को 2 बजे है शायद कि कितना, 10 बजे है, 10 बजे है, और विनोद पवार जी लगातार 1 महीने 1.5 महीने से सुबह से रात तक, जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता तब तक रहते हैं, और जो प्रदेश की कमान संभाले उसके लिए इतना समय तो देना ही पड़ता है। तो कई बार तो एमआर रिजवी जी नहीं आ पाई है ना, तो कई बार ऐसा होता था कि 6 बजे मैं उठ करके 7 बजे निकलता था, ये 7 बजे तक आ जाते थे, 6 बजे आ जाते थे, और 10-11 बजे तक मैं कई मीटिंगें कर चुका होता था। सुबह ट्रैफिक नहीं होता, लोग घरों पे मिल जाते हैं, जो मौजूद लोग होते हैं, प्रमुख लोग होते हैं, भीड़ के लिए तो खैर दिन चाहिए,
लेकिन कभी कभी ऐसी मीटिंगें भी करना पड़ता है। तो इसलिए इनको प्रदेश की कमान दी गई है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा डिपार्टमेंट आज भी सारे डिपार्टमेंट से ऊपर दिल्ली में भी है, पूरे देश में है। स्वस्थ स्पर्धा होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन, ये मुख्य बॉडी के बराबर खड़ा हो, आप लोग खड़ा करें, ताकत देर सवेर नजर आ जाती है। परिक्रमा करना, पांव छूना, छूने से अब गुजारा चलने वाला नहीं है। जब समय था कि इससे गुजारा हो जाता था, अब नहीं होने वाला। अभी मिथिलेश जी हैं, मैं इनका परिचय कराना चाहूँगा। मिथिलेश जी, आप अब इनके लिए भी ताली बजाएं। ये रोहिणी जिला अध्यक्ष है, मुझे लगता है बहुत आगे जाएंगी। एक बहुत फायरी लीडर हैं। और दूसरे जिला अध्यक्ष हैं, किराड़ी के हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे, वीरपाल जी हैं। तो तीन जिला अध्यक्ष हमारे बहुत अच्छे हैं। अभी भी कई जिला अध्यक्ष की नियुक्ति रह गई है, क्योंकि कुछ लोगों को मौका दिया था, नहीं चल पाए। और मेरा यह मानना है कि शेर मरी मांस नहीं खाता, शिकार करके खाता है। तो कुछ लोग इस आते बहुत हैं, मुझे लगता सबसे ज़्यादा लोग मिलने आते हैं मेरे से, कम से कम 100-150 लोग मिल जाते हैं, 10-15-20 तो रोज ऐसे होते हैं ज्वाइन करने के लिए। मैं उनको मौका देता हूँ, वो सोचते हैं कि बस पोस्ट ले ले। मैं पहले पोस्ट नहीं देता हूँ भाई, 2 दिन 4 दिन 5 दिन पेशेंस तो देख टेस्ट किया जाता है, कुछ काम करके देखा जाता है। तो इस बीच जो है वो भाग लेते, आदत पड़ गई है, बने बनाए रास्ते पर चलने की आदत पड़ गई है। चलो घर से आएंगे या ICC चक्कर लगाएंगे, या ICC में पहुंच भी अब बेचने वाले इसको भी बेच लेते हैं, क्यों कनीज जी। एक हमारा वो बम्बई का अध्यक्ष था, बेचने की अकल देखो, मैं तो हैरान हूँ, पता नहीं कैसे करता था वो। बम्बई में 6 जिले हैं, वो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के नियुक्ति में 5-5 लाख रुपया ले लेता था। हमका कौन देता था भाई, कईयों से लिया, शिकायतें मेरे पास भी। कलाकार उसको हमने, खैर उनको हटाया हमने, कलाकार हैं तो कुछ लोग तो कलाकारी केवल ऑफिस दिखा करके भी बहुत कलाकारी कर सकते हैं, और कुछ लोगों को सब कुछ दिया जाए तो भी नहीं कर पाते। तो अभी एक बात है, तो सभी लोगों को जो भी साथी हैं, मैं एक ही आप लोगों से विनती करता हूं, किसी के सामने मत झुकना, कोई परिक्रमा मत लगाओगे, जी हजूरी न करो, अपनी सब टीम बनाओ। नहीं बनाने का हुनर है, मेरे ऑफिस में बैठ लो, हम सिखा देंगे।
लेकिन है कि जाकर के मिन्नत करना, अब वो समय नहीं रहा, बहुत कीमत नहीं है। हालांकि हमें जानते हैं कि जो परिक्रमा लगाने वाले हैं, जोड़ तोड़ लग वाले हैं, उनका महत्व कई बार ज़्यादा होता है। तमाम मुख्यमंत्री ऐसे हैं, उनका आप नाम नहीं जानते हो, तमाम प्रधानमंत्री हैं ऐसे नहीं जानते हो, लेकिन काशीराम जी का नाम सभी जानता है ना। लालू यादव का नाम सभी जानेंगे ना लोग। राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन राहुल जी प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं, जनता के नेता हैं। मुझे बहुत लोग कहते हैं आपको राज्यसभा में क्यों नहीं दिया गया, तो हमने कहा कितने राज्यसभा के लोगों को लोग जानते हैं भाई। मतलब यह कई बार यह तय करना पड़ता कि मैं बाजार निकलूं ना निकलूं, आज से नहीं कई सालों से चलना मुश्किल होता, लोग पहचान जाते। तो कोई एमपी की वजह से नहीं, पहले से रहा। तो हमने अपनी टीम बनाई, अपनी अपनी शक्ति का निर्माण किया। आप अपनी शक्ति का निर्माण करेंगे, कांग्रेस का प्लेटफॉर्म है, चार गुना और हो जाए। अभी हमारे हिसाब से काम शुरू नहीं हुआ, किसी ने कोई डिपार्टमेंट नहीं पकड़ा है, कोई सफाई कर्मचारी के क्षेत्र में नहीं घुसा, कोई रेड़ी पटरी में नहीं हुआ, या कंस्ट्रक्शन मजदूर का है, ऑटो वालों का हमने जरूर कमेटी बनाई थी, ऑटो रिक्शा भी है, ड्राइवर्स का है, किसी न किसी क्षेत्र में तो आपको घुसना पड़ेगा। असंगठित कामगार वही है, वरना आपका काम तो कुछ नहीं है। आप घर से निकल रहे हो, सब्जी वाले से ही बात कर लो भाई, कई समस्या है। या जो ऑटो रिक्शा वाला है उससे भी बात कर सकते हो, कैब से बात कर सकते हो, सिक्योरिटी में जो एम्प्लॉइज हैं कितना मिलता है, कितना कंस्ट्रक्शन, कुछ तो बोलो, कुछ तो बात करो। होटल में है पीएफ कट रहा कि नहीं है, उसका ईएसआई कट रहा नहीं, 20 की संख्या हो तो प्रोविडेंट फंड कटना चाहिए, प्रोविडेंट फंड नंबर होना चाहिए। हर होटल में 15-20 लोग हैं, वहीं आप पकड़ लोगे। ईएसआई 20 लोग होते तो ईएसआई होता, ईएसआई नंबर है कि नहीं, ये होटल के मालिक की जिम्मेदारी है। इतना तो कर सकते हो, कुछ तो करना पड़ेगा। अब राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी भारत जोड़ो में, उससे बढ़ेंगे तो नहीं ना। वो तो जरूरी है कि राहुल गांधी जिंदाबाद बोलो, भारत जोड़ो, लेकिन आप अतिरिक्त तो जोड़ोगे अपनी टीम के लिए, कांग्रेस को बढ़ाओगे, अकेले क्या करेंगे वो। और दूसरी बात, आपको भी तो अपना स्थान बनाना है।